हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खोज इंडिया। मैं हूं चंदन। बाइक लेना चाहिए या स्कूटर, क्या करें? इसके ऊपर बहुत सारे कन्फ्यूजन है। बहुत मैसेजेस मेरे कमेंट बॉक्स पे आए हैं इसके ऊपर कि बाइक लेना चाहिए या स्कूटर लेना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे कि बाइक और स्कूटर में जो बेसिक डिफरेंसेस है, आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा आपको लेना चाहिए, उसी पॉइंट पे बात करेंगे इसी वीडियो में। इसके लिए बहुत सारे मैसेजेस आए थे और एक नाम मेरे पास ये अभी मिस्टर सौरभ कुमार दे, इन्होंने भी मैसेज दिया था। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो के बाइक और स्कूटर इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले, अगर आप पहली बार खोज इंडिया चैनल देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब खोज इंडिया चैनल राइट नाउ, क्योंकि बाइक रिलेटेड ए टू जेड वीडियो देखने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करना ही है आपको। तो प्लीज कर लीजिए, और कैसे करना है एक बार देख लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए पहले ये लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके बाद ये बेल आइकन को दबाइए। अब आपको हमारे हर नए वीडियो का सबसे पहले अपडेट मिल जाएंगे। थैंक यू। हो गया ना? थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, बाइक लेना चाहिए या स्कूटर लेना चाहिए, चलिए देखते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि बाइक और स्कूटर में जो बेसिक डिफरेंसेस है, वो कुछ पॉइंट मैंने निकाला है। तो उसी पॉइंट में आपको एक एक करके बताऊंगा, उसी से आपको पता चल जाएंगे कि आपको कौन सा लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। मतलब आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको बाइक चाहिए या स्कूटर चाहिए, ये आपको पता चल जाएंगे। मेरा पहला पॉइंट जो है, अगर आप रेस वगैरह करते हो या फिर डेली बहुत लॉन्ग राइड करते हो आप, और आपको स्टाइल चाहिए, तो आपको बाइक लेना चाहिए। क्योंकि स्कूटर मेनली डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए है, जैसे मैं मानता हूँ। मैं पहले पल्सर 180 राइड कर रहा था, वो अलग बात है, वो एक उसका परफॉर्मेंस, उसका स्टाइल कुछ डिफरेंट है। और अभी मैं जो स्कूटर यूज़ कर रहा हूँ, हीरो माइस्ट्रोज, ये मेनली डोमेस्टिक पर्पज़। डेली ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर में राइड करता हूँ, 100 किलोमीटर के ऊपर मैं राइड नहीं करता। तो आपको डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए स्कूटर चाहिए, और अगर आप लॉन्ग राइड करोगे और स्टाइल चाहिए आपको रेसिंग के लिए, आपको बाइक लेना चाहिए। और ये स्कूटर आप घर में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही राइड कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि लाइट वेट है, इसीलिए। ये मेरा पहला पॉइंट था। अभी दूसरा पॉइंट जो है, अगर आपको हायर सीसी परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको बाइक लेना चाहिए, क्योंकि स्कूटर का जो परफॉर्मेंस पावर है वो 100 से लेके 125 सीसी एवरेज नॉर्मली होता है। वैसे विस्पा का एक है 150 सीसी, लेकिन आपको नॉर्मली स्कूटर में 100 टू 125 सीसी का पावर आपको मिलेगा। लेकिन बाइक में ऐसा नहीं है, बाइक में 100 से लेके आप को 150, 180, 220, 250, 400 सीसी, 1000 सीसी तक आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे वेरिएंट आपको मिलेगा। तो अगर आपको अपना व्हीकल में ज़्यादा पावर चाहिए तो आप बाइक ले लीजिए, और आपको कम पावर चाहिए 100 टू 125 सीसी में आपको अगर कम चल जाएंगे तो आपको स्कूटर लेना चाहिए। ये था दूसरा पॉइंट। अभी तीसरा पॉइंट जो है, आपको बाइक्स में बहुत सारे वेरिएशन मिलेगा, बहुत वेरिएंट आपको मिलेगा। बहुत सारे कंपनियों ने बहुत सारे बाइक्स मार्केट में है, तो आप उनमें से आराम से चूज कर सकते हैं। वैसे ये काम आसान नहीं है, आप कन्फ्यूज होना ही है कौन सा बाइक ले। तो फिर भी बाइक्स आपको बहुत सारे वेरिएंट में मिलेगा, लेकिन स्कूटर लिमिटेड, उतना बाइक्स जैसा उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम इसका वेरिएंट है। TVS का है, होंडा का है, हीरो का है। तो स्कूटर का जो वेरिएंट है वो बाइक्स जैसे नहीं है, बाइक्स में वेरिएंट आपको ज़्यादा मिलेगा। अभी पॉइंट नंबर 4, बाइक्स आपको बहुत सारे प्राइस टैग में मिलेगा। अब 50,000 से लेकर आपको 1 लाख, 2 लाख, 13 लाख, 20 लाख तक आपको ये बाइक मिलेगा आपको।
बहुत सारे प्राइस टैग में आपको बहुत सारे बाइक्स मिल सकता है। लेकिन स्कूटर का जो प्राइस टैग है वो एवरेज आप पकड़ लीजिए 70,000 में आपको एक अच्छा स्कूटर मिल जाएंगे मार्केट में। तो प्राइस टैग के हिसाब से बाइक्स में बहुत सारे वेरिएंट है, अकॉर्डिंग टू योर बजट आप ले सकते हो। लेकिन स्कूटर को आपको 70,000 के अंदर आपको एक अच्छा स्कूटर अभी मार्केट में आपको मिल जाएंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। बाइक्स को आपको राइड करने के लिए बहुत सारे दिक्कत है एक्चुअली। अगर आप पहली बार राइड कर रहे हो या फिर बाइकों में क्या है, बाएं तरफ क्लच है, दाहिने तरफ सामने वाला ब्रेक है, नीचे दाहिने तरफ पैर में ब्रेक है, बाएं तरफ गियर शिफ्टिंग है, तो बहुत कुछ चीज़ आपको दो हाथ और दो पैर आपको एक्टिव रखना पड़ता है। बाइक चलाना स्कूटर जैसा आसान नहीं है, बाइक चलाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन स्कूटर में क्या है, आपको पैर तो फ्री है, पैर का कोई काम नहीं है और दोनों हाथ का काम है। बाएं तरफ आपका कॉम्बी ब्रेक मिल जाएंगे, वो उसमें आपको दोनों आपका स्कूटर आराम से रुक जाएंगे, और दाहिने तरफ भी ब्रेक है और एक्सीलेटर है। तो सिर्फ हाथों का ही इस्तेमाल करना है, पैर का नहीं। लेकिन बाइक्स में ऐसा नहीं है, बाइक चलाने के लिए दोनों हाथ और दोनों पैर हर वक्त वो एक्टिव रखना पड़ता है। तो स्कूटर चलाना बहुत ही आसान है बाइक्स के कंपेयर में, स्कूटर बहुत ही इजी है, लेकिन बाइक्स थोड़ा टफ है स्कूटर के मुकाबले। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। बाइक में क्या है, वो इंटरनल स्टोरेज जैसा कोई चीज़ नहीं है इन बाइक में, तो लेकिन स्कूटर में वो इंटरनल स्टोरेज है, अंडर सीट इंटरनल स्टोरेज फैसिलिटी आपको मिलेगा। बाइक्स में वैसा कुछ नहीं है, अंडर सीट उतना स्पेस आपको नहीं मिलेगा, वो साइड पे हो क्लैंप वगैरह हुक वगैरह आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। लेकिन स्कूटर में वो अंडर सीट स्टोरेज आपको मिलेगा, कुछ भी आप वहाँ पर कैरी कर सकते हैं। हाँ, 20-21 लीटर 22 लीटर जैसा है, अकॉर्डिंग टू कंपनी अकॉर्डिंग टू ब्रांड वो डिपेंड करता है, लेकिन आपको इंटरनल स्टोरेज फैसिलिटी मिलेगा। और उसमें आपको मोबाइल चार्जर आजकल सारे स्कूटर में है, मोस्ट ऑफ अभी सारे स्कूटर में है, आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट USB चार्जिंग पॉइंट आपको मिलेगा, बूट लाइट मिलेगा। तो ये इंटरनल स्टोरेज जैसा फैसिलिटी आपको सिर्फ स्कूटर में मिलेंगे, बाइक में नहीं मिलेगा। और अगला पॉइंट जो है, बाइक में आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा स्कूटर के हिसाब से। स्कूटर में आपको एवरेज 5-6 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगा, तो बाइक्स में आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी ज़्यादा मिलेगा। और अगला पॉइंट जो है, हम अक्सर वो सिटी में राइड करते हैं, लेकिन सिटी में बहुत सारे ट्रैफिक जैम वगैरह होता है, बहुत भीड़ भाड़ रहता है, तो वहाँ पर बाइक को हैंडल करना, बाइक चलाना थोड़ा मुश्किल है स्कूटर के हिसाब से। अगर आपके पास स्कूटर हो तो आप आराम से जिग-जैग कर सकते हो, क्योंकि उसका स्पेस थोड़ा कम लगता है, बाइक का जो स्पेस लगता है उसके हिसाब से स्कूटर का जो स्पेस है बहुत ही कम लगता है, तो इसीलिए आप आराम से जिग-जैग कर सकते हो। आप भीड़ भाड़ रास्ते में या फिर ट्रैफिक जाम के हालत में आप स्कूटर आप आसानी से राइड कर सकते हो। बाइक्स भी राइड कर सकते हो आप, लेकिन उतना आसानी से आपको राइड करने में प्रॉब्लम होगा। तो स्कूटर इज़ मोर कंफर्टेबल देन बाइक इन द प्रॉपर सिटी। अगला पॉइंट जो है वो है वेट। बाइक्स का जो वेट रहता है नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा रहता है स्कूटर के कंपैरिजन में, क्योंकि स्कूटर में उतना वेट नहीं रहता। फाइबर बॉडी आजकल मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा स्कूटर में फाइबर बॉडी है, तो वो ज़्यादा लाइट वेट है, इसीलिए आपका बॉयज़ और गर्ल्स घर में कोई भी हो स्कूटर हर कोई आसानी से राइड कर सकता है। लेकिन बाइक जैसे आप रॉयल एनफील्ड बहुत ही हैवी वेट है, ये हर कोई हैंडल नहीं कर सकता। तो बाइक्स थोड़ा हैवी वेट है और स्कूटर थोड़ा लाइट वेट है। मैं सजेस्ट करता हूँ अगर आपका उम्र ज़्यादा हो, बाइक्स जैसे हैवी वेट व्हीकल आप राइड नहीं कर सकते, तो आपको स्कूटर परफेक्ट है। स्कूटर बहुत ही लाइट वेट है, आप आसानी से पार्किंग कर सकते हो, आगे पीछे घुमा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। स्कूटर लाइट वेट है इसीलिए थोड़ा आसान है, बाइक्स के मुकाबले स्कूटर बहुत ही लाइट वेट है। अगला पॉइंट जो है वो है पावर। बाइक्स का जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा पावर है, ज़्यादा हाई RCC बाइक्स में पावर तो ज़्यादा होगा ही, तो इसीलिए एक्सीडेंट का चांस हमेशा ज़्यादा रहता है बाइक्स के ऊपर।
ये डिपेंड करता है चलाने के ऊपर, लेकिन फिर भी बाइक्स का एक्सीडेंट ज़्यादा होता है ऐसे ही हम नॉर्मली सुनते हैं। लेकिन स्कूटर लाइट वेट है और उतना पावरफुल नहीं रहता है, इसीलिए स्कूटर हैंडल करना वो राइड करना और एक्सीडेंट भी ज़्यादा नहीं होते, तो स्कूटर इज़ मच मोर सेफ देन बाइक्स। बाइक्स यंगस्टर्स के लिए या फिर लॉन्ग राइड के लिए ठीक है, लेकिन स्कूटर लाइट वेट है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, आराम से आप इजीली राइड कर सकते हो। और एक स्कूटर अगर घर में रहे तो घर में कोई बॉयज़ गर्ल्स कोई भी हो, हाउसवाइफ, सब ये स्कूटर राइड कर सकते हो। लेकिन अगर एक रॉयल इनफील्ड घर में हो तो ये हर कोई राइड नहीं कर सकता। और आखिर में जो बात मैं बताऊंगा आपको वो है लाइसेंस। बाइक चलाने के लिए विद गियर का लाइसेंस की ज़रूरत है, लेकिन स्कूटर के लिए विदाउट गियर का जो लाइसेंस है उसी से आप चला सकते हो। तो यही था बेसिक पॉइंट्स। तो कंक्लूसन क्या है? कंक्लूसन यही है कि अगर आपको बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग राइड करना चाहते हो और स्टाइल चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपको और एज ज़्यादा ना हो तो बाइक्स आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ के लिए आपको सेफ और एक बहुत ही आसान व्हीकल अगर आपको चाहिए तो आपके लिए स्कूटर परफेक्ट है। तो यही था बाइक्स और स्कूटर में जो बेसिक कंपटीशन है वो मैं आपको बताने की कोशिश किया है। आप अभी डिसाइड करिए आपको बाइक चाहिए या स्कूटर चाहिए, आपके अपने ज़रूरत के हिसाब से बजट के हिसाब से आप डिसाइड आराम से कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्दी मुलाकात होंगे फिर अगले वीडियो में। और अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप कर ही दीजिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। बाइक्स और स्कूटर कुछ भी आप खरीदिए, खरीदने के बाद स्लो ड्राइव कीजिए, सेफ ड्राइव कीजिए, हेलमेट ज़रूर पहनिए और खोजी इंडिया देखना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्दी मुलाकात होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।